हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, HP का 6th generation का मदरबोर्ड है ये, और इसमें DDR4 RAM सपोर्ट होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप गूगल पे इसमें अधिक जानकारी लेते हुए सर्च कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, यूजर साइट से आया है। तो देखिए, यहाँ से पैनल को शॉर्ट करके इसको ऑन कर लेते हैं दोस्तों। और आप एनालाइजर में देख रहे हैं 80 कोडिंग यहाँ पे आ चुकी है, और आप देखते रहें कोडिंग आगे कंटिन्यू अपडेट हुई है, तो 19 यहाँ पे आ गया है कोडिंग। देखिए आगे कंटिन्यू अपडेट हो रही है, और देखिए यहाँ पे ये जो एरर है, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली सेटिंग से भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है इशू इसमें। तो सबसे पहले इसका बायोस सेटअप खोल लेंगे हम। ये देखिए, हमने हार्ड ड्राइव को भी यहाँ पे कनेक्ट किया है, बट हमारा ये ऑन होने के बाद ये हमारा प्रोसेस ये आ जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार ऑल्ट कंट्रोल डेल प्रेस कर लेते हैं, जिससे हमारा सिस्टम रीबूट हो जाता है। और इस मॉडल का 406 G2 बायोस सेटअप खोलने के लिए हमें F10 को प्रेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने F10। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं। आपने यहाँ पे देखा, हमने इसमें बायोस सेटअप यहाँ पे खोल लिया है, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले इसका डेट टाइम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिस्टम इंफॉर्मेशन में इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया था कि आपका इसमें 6th generation का मदरबोर्ड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं i5 6500 इसमें लगा हुआ है, और DDR4 RAM लगी हुई है जो कि 2133 MHz की है, और 4GB RAM है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार एस्केप दबा के स्किप करते हैं, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे डेट टाइम सेव के लिए क्लिक मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका डेट टाइम भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम देखिए प्लस से इसको यहाँ पे इसकी डेट टाइम को चेंज कर लेंगे, आई थिंक 11:30 कुछ टाइम हो रहा है दोस्तों, 12:25। तो यहाँ पे मैं इस तरह इसको सेव कर लेंगे, प्लस से इसको यहाँ पे देखिए सब इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि किससे क्या होता है, ठीक है। और एरो से नीचे आएंगे, और सबसे पहले मंथ, डेट और ईयर। मंथ है 7 चल रहा है दोस्तों, और ये देखिए यहाँ पे 26 और 2022 22 का, ठीक है। और F10 यहाँ पे प्रेस करेंगे तो एक सेव हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम स्टोरेज में जाएंगे ऊपर। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे ID कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा देखिए साटा 1TB के हार्ड ड्राइव WD की लगी हुई है, ठीक है। तो ये दोस्तों यानी कि हमारा हार्ड ड्राइव तो कनेक्ट है, बट इसमें विंडो ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बूट में जाएंगे। बूट में जाने के बाद यहाँ पे एंटर कर लेंगे, और एंटर करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग है, ये देखिए यहाँ पे दोनों डिसेबल हो रही है, UEFI और लेगेसी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनेबल करने के लिए हमें F5 जो की है उसको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो मैं यहाँ पे देखिए F5 को मैंने प्रेस कर दिया है, बट इसमें USB दिखा रहा है, बट हार्ड ड्राइव का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है वो आपका USB फ्लॉपी CD है, और USB हार्ड डिस्क है। तो दोस्तों इससे अभी हमारा हार्ड ड्राइव बूट नहीं होता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव का केवल हार्ड ड्राइव 0 आना चाहिए या हार्ड ड्राइव 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे लीगेसी पे ऑप्शन पे यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे मैंने F5 वहाँ पे प्रेस किया था, और वहाँ पे जो हमारी सेटिंग थी वो इनेबल हो गई थी डिसेबल से। तो अब मैं यहाँ पे F5 चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सेटिंग नहीं हो रही है। तो
यानी कि हमारा कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम करने का ये दोस्तों सॉल्यूशन है कि हमारा एक बार इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और हो सकता है हमारा यहाँ पे विंडो एक बार F10 करके सेव कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों हमारा OS ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बूट होता है या नहीं होता है, यही प्रॉब्लम इसमें आती है। तो देखेंगे दोस्तों आप कंटिन्यू, नहीं अभी भी यही एज इट इज़ प्रॉब्लम है दोस्तों। हमने BIOS सेटिंग भी इसकी चेंज कर ली, और जो बूट में गए थे हम तो वहाँ पे जो प्रॉपर सेटिंग है डेट टाइम भी सेव किया है, बट हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ये प्रॉब्लम किसकी है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों BIOS से रिलेटेड है, जो कि आपको HP की साइट से जाना पड़ेगा, वहाँ से फाइल कॉपी करके BIOS कॉपियर के थ्रू आप इसको कॉपी करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपके सिस्टम में कोई भी हार्ड ड्राइव का OS ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड नहीं होता है या इंस्टॉल नहीं होता है, तो दोस्तों आपका BIOS करप्ट होता है। तो इस कंडीशन में आप अपना BIOS या तो दूसरे फॉल्टी मदरबोर्ड से एक्सचेंज कर लें, या फिर आप HP की साइट से इसको डाउनलोड करके कॉपी कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।